तत्काल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को। हमारे शास्त्रकारों ने बताए, अगर भागवत की महिमा को समझना चाहते हैं, हमें चार दृष्टिकोण से ग्रंथ की महिमा को चर्चा करनी चाहिए। कहते पहला नंबर है, ये भागवत कथा कौन सुन सकता है? लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक जन्म नहीं, जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हमने तो इतना पुण्य किया नहीं, हम तो बड़े पापी हैं, फिर क्या ये भागवत कथा नहीं सुन सकते हैं? इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे धुंधुकारी की कथा। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, ये धुंधुकारी ने अपना पिता को इतने पिटाई कि पिता तो घर भाग करके छोड़कर भाग गए। मैया को इतने सताई, मैया ने लास्ट में कुएं में आत्महत्या की। उसको बाद में छह बेस्याओं को बुलाकर घर बुलाए, फिर उनको इच्छा पूरी करने के लिए डाकू डाला। लास्ट में बेस्याओं ने बुरी तरह से उसकी गले में फांस लगा करके मुंह में कोयला की अंगार डाल करके पूरी तरह से मारे और घर में गाड़ करके चले गए। बन गया कृतार्थ। जब घर में धुंधु गोकर्ण आया, देखा प्रेत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया में मैंने पिटा दिया, क्योंकि गया में भगवान का चरण चिन्ह है, भगवान का वरदान। एक बार कोई गया में जाए, पितृ पुरुष को उद्देश्य में एक बार पिंड दे, उसको मुक्ति मिल जाएगी। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड भी दिया। बोले भैया मैंने इतना पाप किया, मेरे नाम पर एक बार क्यों? अगर मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे ना, मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना बड़ा पापी था, लेकिन इतना बड़ा पापी को मुक्ति मिला तो कैसे मिला? भागवत कथा से तात्पर्य यह है, आप किसी ना किसी तरह से आओ और भागवत कथा में केवल बैठ जाओ, और कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल बैठ ही जाओ और भागवत कथा को सुना। अगर एक प्रेत का अगर उद्धार हो सकता है, अगर एक इंसान अगर कथा सुने फिर उसको क्या मुक्ति नहीं मिलेगी? जरूर उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भागवत कथा की बड़ी महिमा, इसलिए पापी से पापी को भी भागवत कथा मुक्ति देती है। आप देखना कभी कभी संसार में सब सुख है, बेटा बेटी रुपया पैसा धन दौलत घर में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी देखना घर में शांति सुख नहीं है, घर में शांति सुख नहीं। बोले क्यों? बोले ये पितर दोष है, हमारे जो पूर्वज लोग जो चले गए अभी उनको मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए घर में सब कुछ रहते हुए भी घर में शांति नहीं, लेकिन इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले भागवत कथा से। अगर इनको भागवत कथा श्रवण कराओ जरूर इनको मुक्ति मिल जाएगी। ये भागवत कथा की इतनी महिमा दी भागवत कथा की, एक बार भागवत कथा की जयकार करो जोर से। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। इसलिए कथा कौन सुन सकता है? बोले पापी से पापी को भी मुक्ति देगा। अगर कोई बोले हम तो बड़े ज्ञानी हैं, कितना बार सुनेंगे, सुनी सुनाई कथा को हम सब पढ़ रखे, हमें ये सब कथा बता सुनने का जरूरत नहीं। इसके लिए उदाहरण दिया, कहते आप सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े अज्ञानी बन सकते हैं, जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे और निकलना ही नहीं चाह रहे थे, और किसी तरह से निकले तो बात संन्यास लेकर चले, और ब्रह्म ज्ञान में ये संपूर्ण डूबे हुए महापुरुष थे, लेकिन ये भागवत कथा की इतने महिमा, केवल एक श्लोक उनको कान में पड़ा उनको पागल बना दिया, और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके उन्होंने पूरी के पूरी भागवत कथा सुनी। इसका तात्पर्य यह है, अगर कोई ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो तभी ये भागवत कथा सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले राम कथा जय सोना अघारी, राम कथा जय सोना।
अगर कोई बोले अरे कितने कथा सुने, कथा सुनते सुनते तुमने बोर हो गया, इसका मतलब है उनको कथा क्या रस है इसको पता नहीं। इसलिए भागवत में श्री पृथ्वी महाराज जो भगवान बोले वर मांगो, उन्होंने क्या वर मांगते हैं, बोले नका मरे नाथ तदव्य हम कोची, बोले हे प्रभु अगर मेरे को वर देना चाहते हो मेरे को 10,000 दान दे दो। कितना का? कितना का? बोले 10,000 का दो काम तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो काम हो जाए, यहाँ दो काम, काम अगर काम हो जाए अच्छी लगेगी देखने में। क्या आप देखो 10,000 काम तो, बोले प्रभु काम तो दो ही रहे लेकिन ये दोनों काम में कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति दे दो, 10,000 कानों में जितने ताकत, मतलब जैसे कथा सुनते रह जाए। दूसरा तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पर कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी, जैसे कहीं की कथा जैसे टूट नहीं जाए हमारा, जहां जहां ये कथा हो मैं उतना रूप लेकर के जैसे वहां पर पहुंचू और कथा सुनू। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, अगर करोड़ों जगह की कथा होना हनुमान की अलग अलग रूप बना करके कथा से पहले जाए और जाकर बैठ नहीं जाएंगे। कथा सुनने का नियम है सबसे पहले जहाँ कथा हो रही है उस स्थान को प्रणाम करो, क्योंकि भागवत कहता है बोले सर्वाणी तिन्हानी बसंती तथा जथा चुताकर कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा हो रही है पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ वहीं पर है। कहते पृथ्वी में कितने सारे तीर्थ है, बोले 6 अरब। कितने? ध्यान देकर सुनो, कितने तीर्थ है? 1 अरब। कितने में होता है? बोले 100 करोड़ में 1 अरब होता है। अरे 6 अरब मतलब कितना हो गया? 600 करोड़। तीर्थ कहाँ पर है? जहाँ पर भगवान की भागवत कथा हो रही है। आप लोग बिना पैसा में यहाँ पर अगर सारे तीर्थ में जाओ ना, करोड़ रुपया खर्चा करने पर भी नहीं स्नान कर सकते। 6 अरब जहाँ पर तीर्थ है। लेकिन सुत गोस्वामी कहते हैं ऐसे कौन सा उपाय है जो एक साथ में हम सारे तीर्थ में स्नान कर ले, बल्कि एक उपाय है जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करते हैं आप सबके सब यहाँ बैठ बैठ करके 600 करोड़ तीर्थ में बैठ बैठ करके स्नान कर ले। इसलिए श्री सर्वप्रथम जाकर क्या करो, जिस स्थान पर कथा हो रही है सबसे पहले वो स्थान को प्रणाम करो, जो कथा सुन रहे हैं उनको भी प्रणाम करो और जो कथा बोल रहे हैं उनको भी प्रणाम करो, जाकर के सीधा नहीं बैठनी चाहिए, सबको प्रणाम करते हुए। और जब कथा से जाओ बीच में खड़े होकर और चल पड़े, नहीं ये अपराध है, ये पाप है। जब कथा विश्राम हो जाए, जब आरती हो जाए, आरती लेकर के प्रसाद लेकर के जब जाओ फिर स्थान को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, फिर यहाँ से फिर जाओ। देखो बोले एक कहीं जैसे यहाँ कथा हो रही ना, कहीं ऐसे कथा हो रही थी, एक बड़ा भावुक संत बैठ कर कथा सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते इतने कथा रस में डूब गए, कथा की विश्राम हो गया, सबके सब चले गए लेकिन वो वहीं पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में देखते हैं कहीं से एक काला घोड़ा दौड़ दौड़ कर गया और जहाँ ये भागवत कथा हो रही थी वहां पर लौट पोट खाने लगे और लौट पोट खाते खाते उसका जो शरीर एकदम सोने जैसे हो गया। उसने देखा भैया घोड़ा कौन है, ये घोड़ा कोई साधारण नहीं है। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा आप कौन हो, देखो घोड़ा क्या कहता है, कहते मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। अब लोग प्रयाग गए हो, कौन कौन प्रयाग में नहाए हो? कोई नहीं गए, ठीक है कथा सुन लो तो प्रयाग में नहाना हो जाएगा। कहते ये तीर्थराज है, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी यहाँ पर मिले हैं, इसलिए उनको तीर्थराज कहते हैं। कहते मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। बोले मैंने देखा पहले आप एकदम काले थे और यहाँ पर लौटकों को खाते खाते सोने हो गए, ऐसे क्यों? बोले जितने पापी आ करके प्रयाग में स्नान करके सारे पाप छोड़ चल जाते हैं और मैं पाप की बोझ से मैं काला बन जाता हूँ। बोले यहाँ पर फिर लौटकों को क्यों खा रहे थे? बोले थोड़ी देर पहले यहाँ भागवत हो रही थी ना। बोले हाँ। बोले जहाँ पर ये भागवत कथा होती है मैं ढूंढता रहता हूँ,
क्योंकि पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर है जहां पर ये भागवत कथा हो। फिर जाकर लौट को उठा करके सारे पाप की बोझ को खाली करके फिर पापियों को पाप को मैं दूर करता हूँ। इसलिए आप कथा नहीं सुन रहे हो, बैठ बैठ करके 6 अरब मतलब 6 करोड़ तीर्थ में नहा रहे हो। इसलिए श्री हनुमान जी क्या करते हैं, जा करके बैठ करके ऐसे नहीं हाथ जोड़ करके गदगद होते हुए आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हनुमान जी कथा श्रवण करते हैं। इसलिए कहते जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां श्री प्रभु राम की कथा हो सबसे पहले हनुमान जाएंगे और सबसे लास्ट में हनुमान जी जाएंगे और सबसे पहले आएंगे। इसलिए कहते प्रभु मेरे को कितने बोले 10,000 मेरे को काम दे दो, जैसे कहीं की कथा जैसे मेरे चूक नहीं जाए, जितने ज्यादा पर कथा हो उतना रूप लेकर के मैं जैसे तुम्हारी कथा में सुनते रहूं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय पुराण में आती है। कहते एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। गतकल हम लोगों ने जो कथा सुनी थी वो पद्म पुराण की महिमा सुनी थी, आज थोड़ी सी स्कंद पुराण की कथा सुनी। मतलब जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके प्रभु चले गए, माता कुंती को जब ये बात पता चला कृष्ण चले गए, बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे पर संसार में रहकर क्या लाभ है, उसी समय उन्होंने भी बैठ जाए, उसी समय उन्होंने भी अपना शरीर को छोड़ दिया। मैया कुंती ये शिक्षा देती हैं, तभी ये जीवन धारण करना सार्थकता है अगर जीवन पा करके अगर भगवान की भक्ति हो। अगर भगवान की भक्ति अगर जीवन पा करके नहीं हुआ, भागवत कहता है जीवन सबो, मतलब वो व्यक्ति जिंदा होते हुए भी वो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति, क्योंकि जब भजने नहीं कर रहे हो, क्योंकि जीवन तो भजने के लिए मिला, आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, इसलिए भजने के लिए आए थे और जो काम के लिए आए थे वही नहीं कर रहे, फिर ये जीवन धारण करना क्या लाभ है। जब मैया कुंती ने शरीर त्याग दे दी, पांडव लोग भी ये संसार को छोड़ दिए, और जाने से पहले श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने इंद्रप्रस्थ का राज सिंहासन में अभिषेक किया, और बज्रनाभ कृष्ण का जो पौपुत्र था उनको वृंदावन का राजा बना दिया। एक दिन परीक्षित महाराज मिलने के लिए आए बज्रनाभ से, बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना, बोले सब कुशल मंगल है, लेकिन मन बड़ा उदास, बोले क्यों, बोले वृंदावन में कोई है नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण जब ये संसार छोड़कर गए। आप लोग रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, हाथ उठाओ, सब देखे हो। आप देखना जब भगवान राम जब ये जगत छोड़ करके अयोध्या गए, पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, किसी को प्रभु छोड़े नहीं, सबके सब लेकर गए। उसी तरह जब भगवान कृष्ण गए पूरा के पूरा ब्रजवासियों को लेकर ठाकुर चले गए, ब्रज पूरा खाली हो गया। बज्रनाभ कहता है मेरा मन तो बड़ा उदास ही है, कोई ब्रज में है ही नहीं। राजा को तभी शोभा पाता है जब ब्रज जब कोई प्रजा हो, लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण ब्रज में है। एक स्वरूप में तो चले गए लेकिन दूसरे रूप में अभी भी है, लेकिन ये रहस्य किसको पता, बोले शांति देवी से, जो उनके पूर्व बड़े दीपक ज्ञानी, हमने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ी सी इसका इको ज्यादा मतलब, इसलिए सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ी सी ये वृंदावन की महिमा को गाओ। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो भगवान की 2 तरह का लीला है, कितने तरह के है तब मतलब 2 तरह का इनका लीला है, एक व्यवहारिक लीला और एक वास्तविक लीला है। जो व्यवहारिक लीला मतलब ठाकुर जी चले गए, लेकिन अगर सचमुच से देखो ठाकुर कहीं गए, इसलिए शास्त्र कहता है वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, कृष्ण खुद कहते हैं मैं वृंदावन छोड़कर कभी जाता ही,
आप लोग वृंदावन गए हो? गौतम गए? देखना वृंदावन में दो वन है, एक निकुंज वन और एक निधु वन। अगर कभी शाम को वहां पर कभी जाना, आप देखना शाम को जाते ही वहां बहुत सारे बंदर है, लेकिन शाम होते ही देखना वो एक बंदर भी वो जंगल में नहीं रहते, दोनों जंगल में होते ही एक एक बंदर वहां से निकलना शुरू करते हैं। और वहां पर मंदिर में ठाकुर के लिए फूल की सज्जा लगाते हैं, लोटे में पानी रख लेते हैं, तांतुन रख लेते हैं। लेकिन सबरे जब कभी आरती में जाओ ना, देखोगे ऐसे लगेगा माना कोई रात में आकर के वहां पर पुष्पों की सज्जा में लेट कर गया। कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगी, कभी लड्डू नहीं मिलेगी, ऐसे रूप में आप देखोगे। अगर कोई जोर जबरदस्ती रुक जाएगा ना, गुंगा बन जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। उसको पास में हमारी मंदिर है, मैं वहीं रहता हूँ। मैंने अपना आंखों से दो लीला देखी, एक बूढ़ी माता को देखा तो वो तो एकदम गुंगा बन करके बैठ रही, और एक को देखा तो शरीर छोड़ देता है। क्योंकि जब ठाकुर को एक बार लीला कोई दर्शन कर लेना, फिर वो बोलने का लायक नहीं रह जाता, नहीं तो देख करके अपना शरीर छोड़ करके भगवान को पास में चला जाता है। कोई कोई बोलता है ना, तुमने क्या भगवान को देखे हो? बिना देखे कैसे मानेंगे? जिनको विश्वास नहीं हो ना, एक बार वृंदावन में जाओ और एक बार वो जंगल में रह करके दिखा, एक बार वो जंगल में रात में रह जाओ, फिर पता चलेगा ठाकुर है क्या नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ठाकुर जी कहीं नहीं गए, अभी भी हमारे संप्रदाय में एक संत हुए जिनका नाम था श्यामानंद प्रभु। जब वो गुरु जी को पास में आए, गुरु जी ने कहा देख बेटा, जब तक सेवा नहीं करोगे ना, तब तक मेवा नहीं मिलेगी। जाओ ये निकुंज वन निधुवन में जहाँ पर बांके बिहारी प्रकट हुए, बोले वहां पर झाड़ू लगा। अभी भी राधा रानी लीला करती है। जब उन्होंने झाड़ू लगाए और लगाते लगाते घना घोर जंगल में एक सोने की नुपुर, और नुपुर लाकर गुरुदेव को दिखाया, बोले गुरु जी ये घना घोर जंगल में सोने की नुपुर मिला। लेकिन गुरु जी साधारण थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे, और जीव गोस्वामी राधा रानी की एक सखी थी, वो तो देख करके पहचान के बोले बेटा इधर राधा जी की चरण की नुपुर है, और राधा रानी ने तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बनाया। अगर कोई आए ना देना नहीं, बोलना जिनका नुपुर खुद आकर ले जाए। अभी ललिता में सखा रूप धारण करके आए, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने आई थी, कहीं चरण के नुपुर घूम गई, तेरे को मिला? बोले हाँ। बोले दे दो। बोले जिनकी चरण के नुपुर वो खुद आ जाए और मैं अपना हाथों से पहना दूंगा। बोले तेरे को शर्म नहीं लगता है? घर की बहू है तू, तो ब्रह्मचारी संत हो, तो हमारी घर की बहू को पैर में नुपुर कैसे पहनाओगे? लेकिन गुरु जी ने बोल दिया था बेटा परीक्षा लेंगे, लेकिन देना नहीं। बोले तुम जो कुछ बोलना बोल दो, मैं तो अपना हाथों से ही मैं पहनाऊंगा। तो उन्होंने राधा रानी को बोले, बोले राधे वो संत देना नहीं चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जिनके चरण के नुपुर वो स्वयं आ जाए। राधा रानी को दर्शन देना चाहती थी। बोले एक काम करो, उनको बोलो ये हमारी घर की बहू है, वो ऐसे नहीं आएगी, पहले अपना आंखों में काला पट्टी बांध दो, फिर वो आएगी। बोले कोई बात नहीं, आंखों में काला पट्टी बांध दिया, स्वयं राधा रानी वहां पर आई। जब राधा रानी के चरणों को उन्होंने स्पर्श की, स्पर्श करते ही उनका रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले हे राधे, जब आप इतने दूर तक कृपा की हो, आप मुझे दर्शन दे दो। राधा रानी का दर्शन देना चाहते हैं, फिर उन्होंने आंखों का पट्टी खोल दिया, फिर उन्होंने श्री राधा रानी को उन्होंने दर्शन की। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों की चरित्र है। अभी भी ज्यादा दिन की नहीं, 300 साल पहले की ये कथा है। अभी भी ठाकुर जी अगर ऐसे कोई भजन करे, इसलिए श्री सांकेत ऋषि कहते हैं उनको दर्शन करने के लिए कैसे दर्शन कर सकते हो? बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति बिलोचने का, संत सदैव हृदयसो बिलोकयंत। बोले इन्हीं आंखों में जब हम प्रेम रूपी काजल लगाएंगे तब दर्शन मिलेगा, लेकिन हमारे आंखों में क्या बैठा है? काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष छल कपट से भरा हुआ, इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन
नहीं मिलती है। इसलिए अभी भी ठाकुर जी अगर ऐसे कोई भजन करे ठाकुर अभी भी उनको दर्शन देते हैं। और दो संत थे, एक का नाम था रूप गोस्वामी और एक का नाम था सनातन गोस्वामी। ये दो भाई थे और वो पहले थे नवाब का, बंगाल के जो नवाब का मंत्री थे। हम तो कभी कभी नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं, लेकिन वो ऐसे संत हुए जो नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत लिया। पता है कितना पैसा दिया? 10,000 स्वर्ण मुद्रा। उन्होंने गेट कीपर को उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा में रिश्वत दिया। कौन सा नौकरी? प्राइम मिनिस्टर का नौकरी। इतने बड़े नौकरी को छोड़ने के लिए उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिए और उन्होंने इतने भजन किए। हम तो भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, ये संत इतने बड़े संत हुए ठाकुर जी को दर्शन करने आते हैं। इतने बड़े संत हुए ठाकुर जी को दर्शन करने आते, इतने बड़े संत हुए इनको साथ में। तो राधा रानी स्वयं एक भाई दूसरे भाई को पास में आए, दोनों भैया हरि चर्चा कर रहे थे। छोटे भाई सोच रहे हैं बड़े दिनों से बड़े भैया आए, इनको कुछ भोजन करानी चाहिए, लेकिन इनको खीर बहुत पसंद है। अभी घनाघोर जंगल में खीर कहाँ से लाए? राधा रानी स्वयं बालिका बन कर जाए, दूध चावल किशमिश लेकर के बोले बाबा बाबा लो इसको खीर बना कर खा लो। बोले लाली कोई चिंता मत कर, तू चले जा, हम खीर बना कर खा लेंगे। लेकिन ये दोनों भैया कथा में इतने मस्त थे, कथा ही खत्म नहीं हो, भगवान की चर्चा ऐसे है। फिर वो लाली घूम घाम करके आई, बोले बाबा आप हरी चर्चा करो, मैं स्वयं खीर बना देती हूँ। राधा रानी स्वयं वो तो लक्ष्मी है, फटाफट कंडा में आग जलाए और फटाफट खीर बना करके बोले बाबा भोग लागे खीर खाई खा लेना। बोले लाली कोई चिंता मत करो। बड़े देर में जब कथा खत्म हुई विश्राम हुई, बोले कोई एक लाली आई थी, बोले खीर बना कर गई हूँ। जब देखा सचमुच से खीर बना हुआ, ठाकुर का तुलसी दल से भोग लगाए और जो बड़े भैया को खिलाए ना, क्या स्वाद था। किसने बनाई थी? राधा रानी। आप लोग भी खीर बना दो ना, बना दियो कितना स्वाद होगा। अगर राधा रानी अगर खुद खीर बनाए तो समझो उसमें कितने स्वाद नहीं होगा। वो बाबा तो बहुत खीर खाए, लेकिन जब ये खीर जो खाए तो उसका आंखों से आंसू आने लग गया, गदगद हो गए। वो समझ गए वो लाली कोई साधारण थी नहीं, क्योंकि घना घोर जंगल में कौन दूध और चीनी लेकर कौन आएगा। तब उन्होंने छोटे भाई को पूछे, तुमने मन में कोई इच्छा रखी थी? बोले हाँ मैं सोच रही थी आप बड़े दिनों में आए हो, आपको खीर बहुत प्यारा है, थोड़ा खीर खिला। बोले बताओ ये घना घोर जंगल में तुम्हारी भाव को कौन समझेगा और खीर बना कर ले जाएगा? वो जो लाली कोई साधारण नहीं, खीर क्या करते? जब सचमुच से खीर खाए ना, कभी ऐसे स्वादिष्ट खीर खाए नहीं। ये महाप्रभु का भक्तों की कथा है, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन पहले का बात है। इसलिए कहते एक बंगला में भी कीर्तन है, बोले एक ना से वृंदावन बंसी बाजे। इसका मतलब है अभी भी कन्हैया वृंदावन में बंसरी बजाते हैं, अभी भी कृष्णा सखाओं को साथ में गैया चराने जाते हैं, अभी भी ब्रज की गोपियां यमुना में पानी भरने जाती हैं। लेकिन कौन दर्शन कर सकता है? ऐसे जो संत हो, भजन करने वाले हो, अभी भी ठाकुर उनको दर्शन देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अभी भी तुम्हें दर्शन मिल सकते हैं, लेकिन इसका एक उपाय है, ये ब्रज भूमि को तुमको प्रकाशित करना पड़ेगा। अभी कृष्णा चले गए, अभी कृष्णा का जो धाम है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। अभी ये ब्रज धाम को तुम प्रकाशित करो। उन्होंने सांडिल्य ऋषि को लेकर के, अभी जिनको गिरिराज गोवर्धन कहते हैं, कहाँ पर गिरिराज कृष्णा, कहाँ पर गिरिराज उठाए कृष्णा, कहाँ पर रास रचाए कृष्णा, कहाँ पर गैया चराए, उन्होंने सारे लीला स्थली को प्रकट किया और उन्होंने बहुत सारे विग्रह को स्थापित किया है। और उन विग्रह में विशेष करके तीन जो ठाकुर श्रेष्ठ है, कहते हैं कि गोविंद, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन, विशेष करके तीन ठाकुर को प्रकाशित किया ब्रज में। अगर किसी ने सूर्या एक सूर्यास्त में ये तीनों ठाकुर को दर्शन कर ले, उसको कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है। क्योंकि बज्रनाथ ने जब ये तीनों ठाकुर को प्रकाशित किए, मिस्त्रियों को, मिस्त्रियों ने कृष्ण मूर्ति बनाए, बनाने का बात बताए, बोले बताओ ये कृष्ण ठीक कृष्ण जैसे है कि नहीं, बोले नहीं ये ठाकुर में तो कृष्ण की मुख के जैसे था, मुख का केवल मुख का चिन्ह है। और एक ठाकुर बनाए, बोले देखो ये कृष्ण जैसे है कि नहीं, बोले इनकी केवल भक्त स्थल आया है। बोले और एक ठाकुर बनाए, बोले देखो ये कृष्ण जैसे कि नहीं, बोले उनका केवल चरण कमल आया। अगर एक सूर्यास्त में ये तीन ठाकुर को दर्शन कर लो, साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिलेगा। लेकिन जिस समय ये तीनों ठाकुर वृंदावन में थे, ये जो मुसलमान राजा औरंगजेब कभी आक्रमण किया, वृंदावन गए होंगे देखना, मंदिर का सब टूटे फूटे हुए मंदिर देखो, ये औरंगजेब ने टाइम टाइम पर ये हिंदू धर्म के ऊपर उसने आक्रमण किया है। इसलिए राजा मान सिंह ने ये तीनों ठाकुर को लेकर जयपुर चले गए। वो बड़े भक्त थे, उनके घर में एक बेटी थी बड़ी प्यारी राजकुमारी, वो ठाकुर के प्रति इनकी बड़ी भक्ति थी। एक मदन मोहन ठाकुर जी थे, वो बड़ी ठाकुर को ये सेवा करती थी। अभी जब इसकी सेवा शादी की लायक हो गई, उनको करौली में उन्होंने शादी देने के लिए तय की, बोले बेटी मैं दहेज रूप में जो दूंगा सो तो दूंगा, अगर तुम्हारी मन में कोई इच्छा हो तो बोलो। बोले पिताजी जिंदे के और मैंने ये मदन मोहन ठाकुर को मैंने पूजा की है, ये दहेज रूप में मेरे को ये ठाकुर दे दो। राजा बोले और कोई ठाकुर ले लो,
क्योंकि ठाकुर का नाम ही मदन मोहन है, बहुत सुंदर थे कृष्णा। बोले और कोई ठाकुर ले लो। बोले नहीं पिताजी, तब भी मैं शादी करूंगी जब ये दहे के रूप में ये ठाकुर को दूंगी। राजा बोले ऐसे नहीं, मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा कर दे? बोले ये तीनों ठाकुर को मैं लाइन करके खड़े कर दूंगा, तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा। जिस ठाकुर को तुम स्पर्श करते हुए बोलोगे ये ठाकुर चाहिए फिर मैं वही ठाकुर दूंगा। वो बेटी तो बड़ी कृष्ण भक्त थी, दिन भर कृष्ण की पूजा सेवा। आप देखना जिसकी सेवा करोगे ना उसको साथ में प्रेम हो जाता है। कृष्ण का प्रति बड़ा प्रेम था। फिर रात भर तब रोए, बोले ठाकुर जी मेरे को पता कैसे चलेगा तू मदन मोहन। स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले बेटी कोई चिंता मत कर, एक काम करना, जब तेरे पिताजी ठाकुर को लाइन करके खड़े कर देंगे तुम अपना हाथ सारे ठाकुर में लगा लगाता है। जब मेरे पास में आओगे ना ये बात को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगे और मैं समझूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा। तेरे समझना पर यही ठाकुर मेरे को ले जाना। सचमुच से ठाकुर जी को हाथ पकड़े, फिर ये मदन मोहन को दहेज रूप में उन्होंने लेकर के करौली उन्होंने चले गई। ऐसे श्री भगवान श्री भक्त वत्सल है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपिया जैसे तो। इसलिए क्या करनी चाहिए, तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल होंगे ना ठाकुर जी होंगे, बड़े प्यार से सेवा करना। ये मत समझना ठाकुर कुछ बोलते नहीं देखते नहीं, चुपचाप बैठे हैं। वो सारे चाबी चाबी होना भगवान वाले वही है। वो देखने में बड़े छोटे लगते हैं लेकिन बड़े खोटे हैं, जिनकी इच्छा से ही कहते जब ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मुनि सुबंती, जिनकी केवल एक इच्छा कर, जिनकी एक एक लोक कूप में कर्ण कर्ण विश्व ब्रह्मांड बैठा हुआ, जिनके आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जिनके आदेश पर शंकर जी संहार करते हैं और जिनके आदेश पर विष्णु पालन करते हैं, इसलिए ठाकुर सब चुपचाप बैठ बैठ कर देख रहे हैं। इसलिए घर में तुम्हारे जो ठाकुर है ना बड़े प्रेम से उनकी सेवा करो, खूब बढ़िया करके खाना खिलाओ, सुंदर स्नान कराओ, उनकी चरणा मृत लो, खूब बढ़िया करके श्रृंगार करो। हैं ठाकुर को जब श्रृंगार करोगे ना खुद सज जाओगे, जैसे अपना सखी को बढ़िया से सजाओ, सजा करके आप शीशा के सामने खड़े हो जाओ। देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे जो परछाई अपने आप सज जाएगी। ये परछाई को सजाने का कोई जरूरत नहीं, अपना शरीर को सजाओ परछाई सज जाती है। उसी तरह जब भगवान को सजाओगे, ठाकुर को जो जितने सुंदर तुम सेवा करोगे, जितने सुंदर उनको खिलाओगे पिलाओगे ना अपने आप तुम सज जाओगे, हैं अपने आप सज जाओगे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले एक समय ये कृष्ण का जो 16108 महिषियां थी, कृष्ण जब चले गए ये सबके सब बड़े दुखी, लेकिन देखा जो काले दी जो यमुना है वो बड़ी प्रसन्न है, वो कलकल कलकल नाद से बह रही है, बड़ी प्रसन्न है। महेश ने पूछा काली जी तुम ये बताओ, कृष्ण तो जगत छोड़ कर चले गए, हम तो उनको दुख में दुखी, लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख ही नहीं है, क्यों? बोले राधा रानी की कृपा से मेरे को ये पता है कृष्ण वृंदावन छोड़ कर कहीं गए नहीं, मेरे को अनुभूति अभी भी कृष्ण लीला कर रहे हैं, अभी भी काली जी मतलब यमुना में कृष्ण अभी भी पीड़ा कर रहे हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा? बोले ये राधा रानी की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी वही व्यक्ति ये चीज को समझ सकता है। बोले भैया हम भी चाहते हैं राधा रानी की दासी बन करके हम भी सेवा करना चाहते हैं। बोले ये रहस्य को कौन बताएगा? बोले उद्धव जी बताएगा, क्योंकि कृष्णा ये उद्धव जी को ब्रज में भेजे थे। बोले तुम जा करके ये ब्रजवासियों का सांत्वना दो, इसलिए ये रहस्य उद्धव जी को पता है। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी गिरिराज तलहट में घास बन करके उद्धव जी भजन कर रहे हैं। आप लोगों को परिक्रमा लगाए गिरिराज की? कौन कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए? आप देखना राधा कुंड श्याम कुंड से पहले जो कुंड है वो उद्धव कुंड है।
बोले अभी भी उद्धव जी वहीं पर घास बज करके भजन कर रहे हैं। बोले चलो हम सबके सब वहीं पर चलते हैं। और वहीं जा करके महिषिव ने स्वयं बज्रनाथ परिधि महाराज शांतिल ऋषि वहीं जा करके बड़े सुंदर कीर्तन किया। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय तुमको वृंदावन में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी। हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी, अब बताओ हमें कृष्ण कैसे मिलेगा। देखो उद्धव जी क्या कहते हैं, बोले जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे वहां पर मैं था, मैं भी यही प्रश्न किया था, कृष्ण अभी तुम तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं क्या करूं। कृष्ण स्वयं बोले, बोले हे उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में मैं दूसरे रूप में भी कलयुग में रहूंगा। बोले प्रभु आप किस रूप में रहोगे। बोले ये भागवत ग्रंथ ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में मैं रहूंगा। अगर कलयुग में कोई ये भागवत कथा को कोई श्रवण करे, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, वो एक ही बात जो कृष्ण कथा सुन रहे हैं अब साक्षात श्री बांके बिहारी जी के साथ मिल रहे हो, इसलिए भागवत ग्रंथ से ही कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। बोले उद्धव जी फिर तुम हमें ये भागवत कथा सुनाओ। इसलिए सर्वप्रथम ये भागवत कथा कहाँ पर हुई थी। बोले गिरिराज तलेटी में, वहाँ कुसुम सरोवर है वहीं पर उद्धव जी हम लोग को 7 दिन तक कथा सुनेंगे। लेकिन वहां पर उद्धव जी 1 महीना तक उन्होंने महिषियों को ये भागवत कथा सुनाए। जब भागवत कथा सुनाए इसी भागवत ग्रंथ से ही साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। स्वयं श्री उद्धव जी प्रकट हुए। जब उद्धव जी प्रकट वहां पर स्वयं कृष्णचंद्र अपना सखा सखियों के साथ में वहीं पर उन्होंने प्रकट हुए और प्रकट होकर के महिषियों को उन्होंने दर्शन दिया और महिषी लोग जो कृष्ण विरह में दुखी थे उनको सारे दुख को खत्म हो गया। मतलब है अगर हम ये भागवत कथा सुनेंगे तो ये भागवत से साक्षात श्री बांके बिहारी हमें दर्शन प्रदान करेंगे। तब श्री उद्धव जी ने कहा देखो मेरे गुरु जी मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे। बोले क्या सुनाए। कहते उद्धव जी का गुरु कौन है। कहते ये बृहस्पति जो देवताओं का जो गुरु बृहस्पति। बोले उन्होंने क्या सुनाए थे। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की सर्वप्रथम उन्होंने 3 देवता को बनाए ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना और विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालन करना। अभी ब्रह्मा जी आए बोले आपका आशीर्वाद से तो ये संसार को मैं सृष्टि कर सकता हूँ लेकिन जो सृष्टि का काम है कभी ये रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी और ये कैसे ये संसार को सृष्टि करके मैं कैसे सृष्टि कर सकता हूँ। बोले कोई चिंता मत करो अगर ये श्रीमद् भागवत कथा को आप 7 दिन तक सुनोगे ये भागवत कथा के प्रभाव से ये जगत को तुम सृष्टि कर सकते हो। श्री नारायण आए बोले आपका आशीर्वाद से तो मैं जगत का पालन कर सकता हूँ लेकिन लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ। बोले आपकी कथा सुना
और कथा सुना। देखो ये कथा के कितने महत्व है, जब नारायण स्वयं कथा कहते हैं माँ लक्ष्मी कथा सुनती है, माँ लक्ष्मी कथा सुनती है, ये कथा की इतने प्रभाव। और नारायण कितने दिन में कथा को पूरी करते हैं, एक महीना में। फिर माँ लक्ष्मी स्वयं कथा कहती है और नारायण बैठ कर कथा सुनते हैं। इसलिए आप जितने लक्ष्मी बैठे हो ना, अब ये बात समझना हम थोड़ी कथा कर सकते हैं। देखो माँ लक्ष्मी कथा कर रहे हैं और कथा कौन सुन रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं नारायण बैठ कर कथा सुनते हैं। बोले माँ लक्ष्मी कितने दिन में कथा को पूरी करती, बोले दो महीना। नारायण जितने सुंदर कथा करते हैं, माँ लक्ष्मी जब कथा करती है ना, उससे भी सुंदर कथा करती है। अभी भोले बाबा ने बोले ये संघार का काम, तमोगुण का काम, ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान बोले कथा सुना और कथा सुना। जब शंकर जी कथा सुनाते हैं, कल हम सुन रहे थे ना अमरनाथ में शंकर जी माँ पार्वती को कथा सुनाए, जब शंकर जी कथा सुनाते हैं सबसे बढ़िया कथा भोले बाबा करते हैं। क्योंकि जो शंकर जी ये वैष्णवानाम जथा संभव, भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा श्री शंकर जी, जब शंकर जी कथा करते हैं एक साल तक कथा पूरी करते हैं, एक साल। फिर माँ पार्वती कथा करती है, फिर शंकर जी बैठ कर कथा सुनते हैं। पार्वती कितने दिन में कथा पूरी करते, बोले दो साल। बोले शंकर जी कितने सुंदर कथा सुनाते हैं, माँ पार्वती उसी से भी सुंदर कथा व्याख्या करते हुए सुंदर कथा को सुनाती है। देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा है, ये भागवत कथा से ही ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर जी जगत को संहार करते हैं और विष्णु स्वयं भागवत कथा से जगत को पालन करते हैं। मतलब भागवत कथा से ही ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय भागवत कथा से ही होती है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी तब श्री यहाँ पर बताए। फिर कथा सुनने कैसे चाहिए, कल मैंने बताया था, आज आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, देखूंगा मेरे को कौन बोलेगा। कल मैंने कहा था जो श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के, एक अच्छे श्रोता श्रेष्ठ श्रोता और एक साधारण श्रोता। और जो मैंने कहा था जो श्रेष्ठ श्रोता चार ही तरह के, कितने तरह के, कौन बोलेगा, कोई एक श्रोता का नाम बोले। मैं बता जो अच्छे श्रोता वो चार तरह के हैं, लेकिन उसमें कोई एक श्रोता जो चार तरह में एक का नाम बोले। और हाँ इनके लिए ताली बजाओ उधर से, ये माता है कथा नहीं है। हाँ सच में धन्यवाद आऊंगे, क्योंकि आपने याद रखी है। देखो ऐसे नहीं इधर कथा सुने और इधर कथा निकाल कर चले गए, नहीं। कुछ यहाँ से देखो तीन तीन घंटा यहाँ पर बैठो हैं। जो टीचर है ना वो किसको स्टूडेंट नहीं बनाता है, टीचर किसको छात्र नहीं बनाता है, छात्र को क्या बना देता है, वो टीचर बना देता है। हम ये चाहते हैं ये सात दिन में इतने ज्ञान तुमको प्राप्त हो, इतने ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो, पूरा तुम घर का परिवार को ही सुधार दो। जिस घर में पूरा परिवार ठाकुर को भजन करते हैं ना, वो घर घर नहीं है, वो घर ही वृंदावन है, वो घर ही वृंदावन धाम है। इसलिए मन लगाकर एक कथा सुना और ये कथा को अपना घर तक ले जाओ और ले करके अपना घर में भी बच्चों को भी ये कथा सुनाओ, बच्चों को भी कथा सुनाओ। देखो ध्यान देकर सुनाओ। एक समय मेरे बड़े गुरु जी को पास में कोई आए, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे क्या नहीं सुनते, ये घर घर की कहानी, ये घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। तब हमारे बड़े गुरु जी ने कहा बेटा कभी रामायण पढ़े हो, बच्चों को कभी रामायण तुमने पढ़ाई, बोले नहीं। बोले जो पढ़ेगा नहीं बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा, बच्चे तेईस ही जब बच्चे तेईस ही बनेंगे। पिता माता की बात सुननी चाहिए, पिता सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, पिताजी की सेवा चाहिए, कहाँ से सीखोगे, रामायण। भगवान राम अपना पिताजी के आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए। कितना साल के लिए, किसका किसका आदेश, अपना माता नहीं, कई कई की कौशल्या की नहीं, कई कई की बातों को पालन करने के लिए 14 साल के लिए ठाकुर जी वनवास गए।
अब अपना बेटे को बोले बेटा 14 दिन के लिए मेरा आदेश से पालना करने के लिए जा। बेटा और तुम्हारे बेटे में कोई जाएगा मन मर्जी का हनीमून मनाने के लिए नहीं जा सकता, वो मनमानी घूमने के लिए 14 दिन के लिए जाएगा, लेकिन पिता माता की सेवा करने के लिए आदेश पालन करने के लिए कभी नहीं जाएगा। सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है? रामायण में लिखा हुआ है, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले किसकी चरण छूते थे? पिता माता की चरण छूते थे। रामायण देखे होंगे ना, जब दशरथ महाराज सैन्य किए होते हैं, भगवान राम स्वयं जाकर पिताजी की चरण की सेवा करते थे। ये शिक्षा कहाँ मिलेगी? ये रामायण में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी है। इसलिए राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, भगवत में घर में गीता रामायण हो, बच्चे जैसे लंकुश हो, बस कोई घर ही अयोध्या है। अयोध्या मतलब क्या है? जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है। ये सब चीज राम कथा में ही, भगवान की कथा में शिक्षा मिलेगा। अगर तुम बचपन से कथा सुनकर के बच्चों को अगर तुम रामायण की प्यारी प्यारी कथा सुनाओगे बच्चों को, फिर जो सुनेंगे तो उनको तो भोले वाले बच्चे, वो तो एकदम पूरा जैसे कच्चा मिट्टी के हैं, जैसे बोलोगे वैसे सीखेगा तो बच्चे। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी बच्चे को बोले हो रामायण का थोड़ा पढ़ाओ, गीता का कोई श्लोक बोलो, कभी बच्चे को बोले हो, देखे स्मार्टफोन दे देते हैं 10-20,000-50,000 रुपया बच्चे को स्मार्टफोन पबजी देते रहो, जीवन बिगाड़ते रहो उसमें। लेकिन कभी बोलते नहीं गीता का कोई श्लोक पढ़ो, रामायण का कोई प्यार याद करो। मैं गया था कथा करने के लिए जयपुर कुछ दिन पहले, मैं आ रहा था, देखा 10 साल का एक बच्चा पत्थर उड़ा रहा था। मैंने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? वो जो नाम बोला उससे पता चला ये मुसलमान बच्चा है। मैंने कहा बेटा तुमको कुरान आता है? वो छाती फुला करके बोले हाँ मेरे को कुरान आती है। बोले बोलो छोटा, मेरे कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी मुसलमान धर्म में कितने साल से ये कुरान पढ़ना शुरू करते हैं? बोले हमारी मुसलमान धर्म में कंपल्सरी 2 साल उम्र में उसको कुरान पढ़ाएंगे। आप देखना शुक्रवार के दिन बच्चों को टोपी पहना करके रोड बंद कर देते मुसलमान भाई, मेन रोड में जाकर बंद कर देते हैं। आप किसी भी मुसलमान को पूछो कुरान पढ़ो कुरान सुनाओ बोल सकते हैं। आप जितने हिंदू बैठे हो, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, हमारे गुरु ग्रंथ गीता है कोई गीता का श्लोक नहीं याद है? रामायण का कोई एक चौपाई याद है? लेकिन पूछो कौन सा हीरो का नाम क्या, सब याद होगा। कौन सा हीरोइन का नाम क्या, सब याद होगा। हमारे घर में इतने गिरते क्यों जा रही है, क्यों गिरते जा रही है? कारण ये है हम लोग गीता रामायण बच्चों को नहीं पढ़ाते, खुद नहीं पढ़ते, दिन भर स्मार्टफोन लेकर खुद बैठे हुए, टीवी खोल कर बैठे हुए, स्वयं भजन नहीं करते, भक्ति से कोई मतलब नहीं, बच्चों को अंदर में कोई संस्कार नहीं डालते, जितने उल्टा पुल्टा चीज को बच्चों को सिखाते रहते हैं, तो संस्कार कहाँ से आएगी? इसलिए अगर आप चाहते हो तुम्हारी घर भगवान का धाम बने, अयोध्या बने, अवध बने, अयोध्या मतलब जहाँ पर कोई युद्ध नहीं होता है, अवध मतलब जहाँ पर बदली होता है। कब होगा घर? जब घर में रामायण हो, सीता जैसे बहू हो, राम जैसे बेटा हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई हो, हैं? भरत राज सिंहासन लेना चाहते, लेना नहीं चाह रहे, लेना नहीं चाह रहे। रामचंद्र जी चरण कैसे पूजा की, पिताजी के आदेश पालन करने के लिए, पिता मना कर रहे थे मत जाओ, लेकिन उन्होंने बोले नहीं, रघु कुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। तब कब सीखेंगे, जब ये रामायण पढ़ेंगे गीता पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए देखो हम तो साधु है, हम तो आपको कुछ देने के लिए आए हैं, ऐसे चीज आप 7 दिन में देख करके जाए, हम तुम्हारी एक एक घर अयोध्या बन जाए और एक एक घर तुम्हारी वृंदावन धाम तुम्हारी घर बन जाए, ठीक है ना। इसलिए सब खुद भजन करो, बच्चों को अंदर में संस्कार डालो, बच्चे को भी बोलो बच्चे सवेरे उठ करके एक एक माला करो, थोड़ी सी रामायण पढ़ो, एक एक माला करो। अब लोग बच्चे बात नहीं सुनेंगे, तो बच्चे को जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते कि नहीं बोलो? सवेरे उठे उठा दे तो पढ़ो, उठो स्नान करा दो, जोर जबरदस्ती भेजते कि नहीं? आप देखना बच्चों को ज्यादा लिखा पढ़ा सिखा दो ना, क्या बोलते हैं, बोले तू तो कोई तू क्या जानती है, हम इतने पढ़ाई लिखाई किया तो कुछ नहीं जानते, बेकूफ है,
अरे जो बच्चा इतना लिखा पढ़ा सीख करके पिता माता को गाली देगा, बात नहीं सुनेगा, उसी के लिए तो घर भेज रहे हो। और जो ग्रंथ पढ़ने पर माला करने पर बच्चे संस्कारी बनेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, सेवा करेगा, तो बच्चे के लिए नहीं बोल सकते हो। नियम बनाओ, जब तक थोड़ी रामायण नहीं तो एक माला नहीं कर तुम खाना नहीं मिलेगा। 5 मंदिर दो, एक माला जप करो, लेकिन कब करेगा जब तुम खुद करोगे। पहला गुरु माता है ना, उसके बाद में पिता है। बच्चा किससे सीखता है संस्कार? किससे? माँ से सबसे पहले। माँ को देख करके बच्चा सीखता है। अगर आप हरिनाम करोगे, कीर्तन करोगे, भजन करोगे, बच्चे भी अपने आप करने लग जाएंगे बच्चे। इसलिए क्या करो, सब कैसे हरिनाम करो, भजन करो, भक्ति करो, और अपना घर को भगवान की धाम बना दो। ठीक है, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय ठाकुर बाके बिहारी लाल।
I'm not
लाडली बाई पर जी करे हो जाए बरसाने वाली लाडली बा दोनों हाथ ऊपर उठा कर मतलब आज के आनंद की जय 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 श्री राधे मतलब जन्मादश जतोन्नयादि तरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मोहयति यत सूरयो तेजो वरिमृदम यथ विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा ध्यानमस्तेन सदा निरस्तपोतम सत्यं परम धीमहि। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत को प्रारंभ करते हैं कहते वो तीन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण करते हैं। कहते ये मंगलाचरण का मतलब क्या? बोले मतलब है आप कोई भी काम करो अगर सर्वप्रथम ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को वंदना करते हुए ठाकुर जी को पूजा करते हुए कोई भी काम करना हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी सब अमंगल दूर हो जाएगा ठाकुर का नाम से अगर कोई काम करते। इसलिए ये जो पहला श्लोक है ये ठाकुर जी को ध्यान है। बोले भैया किसको ध्यान करते हो? बोले सत्यम परम धीमहि हम परम सत्य को ध्यान करते हैं। बोले भैया इसी विषय के ऊपर में बड़े भी लड़ाई झगड़ा है क्योंकि ये इसी श्लोक में किसका नाम नहीं दी गई केवल इसका गुण गुण बताया। इसलिए अगर जो शंकर जी को पूजा करते हैं उनको बोलो ये पहला श्लोक किसी के लिए बोले भोले बाबा के लिए। जो माता देवी को पूजा करते हैं उनको पूछो भैया ये श्लोक किसके लिए? बोले मैया देवी के लिए। जो गणेश जी को उपासना करते हैं उनको पूछो बोले ये श्लोक किसके लिए? बोले गणेश जी के लिए। जो जिसको पूजा करते हैं ना वो उसी में लगा देते हैं। लेकिन हमारे श्री एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम श्री बल्लभाचार्य हुए बहुत बड़े संत हुए वो कहते हैं भैया ये श्लोक और किसी के लिए नहीं ये श्लोक तो केवल बांके बिहारी के लिए केवल ये कृष्ण के लिए ही ये श्लोकों को पहला श्लोक उनको ही वंदना कर रहे हैं। बोले इसमें आप कैसे बांके बिहारी में लगा रहे हो? बोले जब भगवान कृष्ण मातृ गर्भ में आए देवकी की गर्भ में आए 33 करोड़ देवता भगवान को स्तुति कर रहे हैं वो क्या कहते हैं? बोले सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सुजोनीहितं च सत्ये सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपद्ये। वो परम सत्य बोलकर किसको स्तुति कर रहे हैं? बोले भगवान श्री बांके बिहारी कृष्ण है। इसलिए जो पहला श्लोक ये कृष्ण के लिए बोले कृष्ण कौन है? बोले जिनकी इच्छा से ही जगत का सृष्टि स्थिति और प्रलय जिनकी इच्छा मात्र से ही होते हैं और जिनकी माया ऐसे है मुझति जत सूरयो हम आगे सुनेंगे जिनकी माया में स्वयं बोध ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं उनको बछड़े ग्वाल वाल को चोरी करते हैं जिनकी माया में इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। भगवान जब इंद्र पूजा की बंद करा दी जब इंद्र ने ब्रज को तसनस करने के लिए जो उनने बारिश बरसाया उसी समय कृष्ण कनिष्ठ अंगुल में श्री गिरिराज उठा लिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की इसलिए इंद्र भी आकर के जिनकी चरण में माफी मांगते हैं। इसलिए जिनकी माया ऐसे है बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देते हैं ऐसे जो परम सत्य भगवान कृष्ण है हम सब के सब उनकी चरण में प्रणाम करते हैं। बोले श्री बांके बिहारी की जय। हमारी कुछ रसी की टीकाकार हुए बोले क्या केवल कृष्ण को वंदना करते हैं ना और भी किसकी प्रणाम करते हैं? बोले नहीं और भी किसी को। बोले किसको? बोले श्री राधा रानी को। वृंदावन गए आप लोग? कौन कौन गए आप वृंदावन में? देखना कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो कुछ 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 माताओं को तो मुंह नहीं खोल रहे अभी जोर से बोलो और जोर से वृंदावन में सबके सब श्री ईश्वर जी की श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोले क्यों? कहते हैं ना राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी
बोले राधे राधे क्यों बोलते हैं, ये कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? देखो ये कृष्ण खुद कहते हैं बात को, बोले रास शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तम, ये स्वयं वाक्य दिया गया है। अगर किसी ने केवल रा अक्षर बोल दिया ना, कृष्ण कहते मैं सोच में पड़ जाता, उसको मैं क्या दूं? यदि ये विश्व ब्रह्मांड में ये रा अक्षर का विनिमय में देने के लिए वाक्य दिया है, कहते मेरे पास में कुछ नहीं होता है, मैं खुद को खुद दे देता हूँ, भैया आज से मैं तेरा हो गया, तू रा अक्षर बोल दिया। अगर कोई धा बोल दे, रा और धा, अगर ये दो अक्षर बोल दिया तो कृष्ण कहते भैया उसको पीछे पीछे मैं भी भागता रहता हूँ, उसको पीछे पीछे मैं भी भागते रहता हूँ। इतना राधा रानी की महिमा है, इसलिए राधा के बगैर कृष्ण आधा है, इसलिए कृष्ण पूर्ण नहीं जब तक राधा रानी नहीं हो। इसलिए कोई एक रसी की भक्त था, उसने एक बड़ा सुंदर पद तैयार किया, वो पद था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग लिया, बड़े बड़े कवियों के पास में गया, बड़े लोग बाहर आ गए, लेकिन श्री जब श्री जीव गोस्वामी मतलब महाप्रभु के एक भक्तों के पास में गया तो उन्होंने एक श्लोक लिख करके भेज दिया। देखो उस श्लोक को क्या कहते हैं, ध्यान देकर सुनो, बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तदअटविं असंभाष तद भाव गंभीर सीता कुतः श्याम सिंदूर सस्यावगा। बोले भैया जो टेढ़े टांग वाले कहने आए ना, वो तीन जगह में टेढ़े हैं, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की है, इसलिए दो टेढ़ो तेरी टेढ़ी अगर उनको पाना चाहते हो, बोले तीन चीज को अपनाओ तभी मिलेंगे। बोले तीन चीज क्या है, बोले अन्ना राध्य राधा पदा भोज, जब तक श्री किशोरी जी की चरणों की धूल को आश्रय नहीं करोगे। दूसरे चीज है राधा रानी की चरण को दर अंकित श्री वृंदावन धाम के जब आश्रय नहीं करोगे, और सबसे बड़ी चीज है राधा रानी रसों में जो डबे डूबे हुए जो संत हैं, जब तक उनकी चरण को तुम आश्रय नहीं करोगे, भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेंगे हैं। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं, जोर से बोला और जोर से, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए जो पहला श्लोक कहते सत्यम परम धीमहि, वो जो परम सत्य जो भगवान की जो पराशक्ति श्री राधा रानी को स्तुति करते हैं, बोले अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, जब तक राधा रानी नहीं होना कृष्ण वह आधा ही, वो कृष्ण पूरे नहीं है, जब राधा रानी को साथ में हो तभी कृष्ण पूरे नहीं तो कृष्ण आधे ही है। इसलिए वो संत कहते हैं अकेला माधव पूजय सो अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो अकेले कृष्ण को पूजा करता है, राधा रानी को पूजा नहीं करता, इसलिए किशोर जी की कृपा के बगैर राधा कृष्ण नहीं मिलेगी। ये जो पहला श्लोक ध्यान है, बोल भैया किसको ध्यान करते हो, बोले श्री युवक सरकार श्री राधा कृष्ण को हम स्मरण करते हैं। बोले श्री जुगल सरकार की जय। भागवत का जो दूसरा पंगलाचरण है कहिए प्रतिज्ञा, देखो ये भागवत कथा कितने भक्त है, बोले एक श्लोक में तीन बार अत्र आया, बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र, बोले भागवत में क्या है, बोले जिसमें केवल भगवान की शुद्ध भक्ति है, जिसमें संपूर्ण जो ज्ञान को भी जहाँ पर निकाल दिया गया, केवल भक्ति की जहाँ पर स्थापन की है, इसलिए बोले वेद्यंग वास्तवम अत्र, कहती भागवत ग्रंथ में जो वास्तव वस्तु भगवान की भक्ति, और जो तीसरा अत्र है बोले सत्य हृदय अवरुद्ध अत्र। देखो ये कथा की कितने महत्व, जैसे ये मंदिर में कथा हो रही है, बाबा का नाम क्या है, बाबा मंगलदास, मंगलदास बाबा जी की मंदिर में कथा हो रही है, आप अभी घर में बैठे हो अभी कथा नहीं आए, लेकिन आपको पता चला बाबा मंगलदास बाबा
की मंदिर में कथा हो रही है, अगर इसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं तो कथा सुनना चाहूंगा, अगर इसकी मन में इतनी मात्र इच्छा हो गई ना, उसी समय में ही भगवान आकर के उसको हृदय में ऐसे बंध जाते हैं जैसे एक व्यक्ति किसी घर में अंदर में घुसे अपने आप कुंडी में लगा करके बंद कर दे। ऐसे ही ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी उसको दीप से निकल नहीं पाते, केवल सुनने की इच्छा मात्र। सचमुच से अगर कोई कथा में बैठ गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उससे तो सौभाग्यवान जगत में कोई है ही नहीं, इतने बड़े महिमा केवल इच्छा करते ही। अगर कोई बोले बहन मैं नहीं जा सकती, घर का काम मैं करते, तू कथा में सुनती जा, तू कथा में सुनने चली जा, उसका आधा पुण्य अपने आप मिल जाएगी, घर में बैठ बैठ कर आधा पुण्य मिल जाएगी। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इतने महिमा अगर कथा सुनने की इच्छा मात्र करने पर, ये प्रतिज्ञा है। बोले भागवत आशीर्वाद क्या देता है, बोले निगम कल्प तरुण गलितम फलम सुखम उखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर रसिका भूमि भावुका। बोले आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, कल्प वृक्षों के नीचे बैठे। बोले कल्प वृक्ष कहते हैं किसको, बोले जो मांगो वही मिलेगा। हम कल सुन रहे थे ना जिनकी संतान नहीं, अगर सही सही कथा सुने, मैंने बहुत जगह पर देखा हूँ जिनको 20-25-25-30 साल तक संतान नहीं था, लेकिन उन्होंने कथा को ठीक से सुने और जिनके बच्चे भी भागवत ऊपर में उन्होंने फल दिया और फल कथा के बाद में फल को खाई इच्छा करके बच्चा हो, 30-25 साल के बाद में घर में बच्चा आएगा, जो सारे डॉक्टर फैल फेल हो गए थे लेकिन कथा से उनको हुआ है। इसलिए कहते जो निसंतान उनको संतान प्रदान करती है, जो निर्धन है जिनको धन नहीं उनके ये धन प्रदान करते हैं, जो रोगी उनको निरोग प्रदान करता है और जिसको घर में सुख शांति चाहिए उसको सुख शांति प्रदान करता है। कहते जो कुछ मांगो ये भागवत से, अगर एक मन से नियम करके कथा सुनो ना, ये भागवत तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसलिए कहते भागवत नहीं ये कल्प करु है, कल्प वृक्ष है। लेकिन लेकिन और एक बात कहते हैं, ये चीज को भी ध्यान देकर सुनो, भागवत तो सब देगा लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं भैया भागवत से छोटी मोटी चीज मत मांगा करो। एक उदाहरण देकर समझाए, कोई एक गरीब ब्राह्मण था, घर में एक गैया है, उसने धन कुबेरे को उपासना करी, धन कुबेर नाम सुने जिसको पास में सारे धन दौलत ट्रेजरी जिसको पास में, अभी धन कुबेर खुश हो गया, बोले बेटा बर्मा हो, लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण बुद्धि भी गरीब है, बोले मेरे पास में एक गैया है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना मुझे दे दो। बोले पागल, अरे मैं धन कुबेर हूँ, इतने तेरे को मैं धन दौलत दे सकता, तू भी खा, तेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे भी खाएगा ना तभी खत्म नहीं होगा, इतने में तेरे को धन दौलत दे सकता हूँ। लेकिन कुबेरे के पास में क्या मांग रहे हो, गैया के खाने के लिए चुना भूसा। इसका तात्पर्य है भागवत का कल्प वृक्ष है, इनको पास में छोटे मोटे चीज मत मांगा। ऐसे एक चीज मांगो जिसको द्वारा इसी जीवन में भी सुखी रहो और जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे सारे दुखों का खत्म हो जाए और चिरकाल के लिए भगवान को चरण में चले जाओ, जहाँ आनंद ही आनंद है, वो है भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, भगवान की सेवा। इसलिए जब हनुमान जी को रामायण में देखे होंगे, जब माता सीता को उधार करके लाए, भगवान राम खुश हो गए, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ये सीता की खोज करना इतने आसान बात नहीं था, रावण को साथ में लड़ना ये इतने आसानी बात नहीं था, तेरी वजह से सीता की उधार हुई, आज तू जो कुछ मांगोगे ना मैं तेरे को सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, जी भर करके मांग लो। हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो, बोले एक बार नहीं बार बार, बोले हरसी देहो श्री रंग पदा सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। ठाकुर जी अगर हमें देना चाहते हो चरण की सेवा दो, अहित की भक्ति दो, अनुपायनी प्रेम दो, तुम्हारी चरण की भक्ति और तुम्हारी चरण की सेवा दो। इसलिए जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं, कहाँ बैठते बोलो, राम जी के चरण में हाथ जोड़ कर बैठते हैं और दिन भर क्या करते हैं,
रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम नाम इतने रहते हैं इसलिए कहते भागवत तो कल पर भी कहे लेकिन इससे छोटे मोटे चीज मत मांगा करो आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी है हमको तो धन दौलत पुत्र बेटा बेटी चाहिए बोले ये चीज मांगने का जरूरत नहीं भगवान से भक्ति मांगो भक्ति आ जाएगी ना ठाकुर को सब कुछ पता है ठाकुर तो अपने आप सब देते अपने आप ठाकुर जी सारी इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी कर देते लेकिन छोटे मोटे चीज को मत मांगा करो ठीक है ना बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम ये जो भागवत ग्रंथ है ये कल्प वृक्ष है लेकिन भागवत की आप इसका फल है लेकिन एक में तो फल है कैसे कैसे फल है बोलते जो अपनी आप वृक्ष में पका पक करके इतने में जो सुख ने तोता ने जब चोंच मारी ना इतने में फल नीचे गिरा एक कहावत है अगर किसी फल को अगर तोता ने चोंच मार दिया ना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती वैसे भागवत का रस रस है ही है लेकिन ये कथा जब सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली और उसमें ज्यादा मिठास आ गया हाँ ज्यादा मिठास आ गया बोले क्यों कारण है जो सुखदेव गोस्वामी ये कोई साधारण तोता नहीं कल हम सुन रहे थे ये राधा रानी की एक प्रिय ये सखी है अगर उनकी मुंह से कथा निकले तो क्या आनंद है फिर उसको जब कहते क्या करो ये कथा रस को पियो बोले आपने बताया फल है आप बताओ फल को खाते ना फल को पीते हो बोलो जोर से बोलो फल को खाते हैं देखो यहाँ पर बेचे मत बैठा करो ऐसे कथा सुनने से आंसर दे सकते हो ठीक है कथा को फल को क्या करते हैं आप खाते हैं कोई पीते नहीं क्योंकि ये ऐसे के फल है ना जिसमें छिलका भी नहीं और जिसमें गुठली भी नहीं जिसमें केवल रस ही रस है जिसमें रस ही रस है और देखो कोई चीज को जब आप पीते हो जब कोई चीज को आप पीते हो आप किधर से पीते हो बोलो सब चुपचाप मुंह से लेकिन अभी जो रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो बोलो जोर से कानों से पी रहे हो कहते ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती जिसको कानों से पी जाती है कहते मुंह और कानों में पीने का फर्क क्या है ये चीज को समझो जो चीज हम मुंह से पिएंगे वो नीचे निकलेगा अब रख सकते हो नहीं रख सकते निकलेगा लेकिन कानों से जो चीज को पिए वो कभी निकलेगा और निकलेगा नहीं इसलिए कहते भागवत रस को मुंह से नहीं पी जाती किससे पी जाती है कानों से पी जाती है बोले भैया ये रस को कब तक पियोगे बोले आ लयम बोले पी 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 जैसे शराब ही होता है ना वो कब तक पीता रहता है जब तक बेहोश नहीं हो जाता है फिर जब उठता है फिर पीता है बोले ये रस को कब तक पियो बोले पी पी करके आ लयम जब तक पी पी करके बेहोश नहीं हो जाते हो तब तक पियो पर जब उठो बोले फिर पियो इसको कथा को नहीं छोड़ो पीते रहो बोले भैया ये रस को जितने भी सभी ने पिए है लेकिन सर्वोत्तम रूप में इसको पिए कौन बोले ब्रज गोपियां ये रस को कृष्ण का जो सबसे बड़े भक्त है गोपी जिनका नाम गोपी गोपी मतलब क्या है बोले गो मतलब होता है इंद्रिया और पी मतलब पीना जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पीते हैं इसलिए उनका नाम ये गोपी नाम पड़ गया है यही लोग ही सर्वोत्तम रूप में इसको पान करते हैं देखो एक छोटी सी कहानी सुनो ध्यान देकर सुनो हमारे बड़े गुरु जी सुनाते थे कैसे गोपियां पान करती हैं बोले एक समय किया हुआ ब्रज में एक कोई नवली आई नवली समझती हो नई घर में बहू शादी करके आई ब्रज में जो गोपियां आती है ना शादी करके कोई साधारण लड़की नहीं है ये पूर्व पूर्व जन्म में श्रुतिचरी मुनिचरी बड़े बड़े ऋषियों ने जो तपस्या किया उन लोगों ने ये ब्रज में गोपी वही बन करके आती है हम आगे जा करके सुनेंगे शंकर भी गोपी बन करके आए गोपीश्वर महादेव कह गए ना अगर गोपियां साधारण होते शंकर क्यों गोपी बन करके आए ये गोपियां कोई लड़की नहीं है जिनकी चरण की एक धूल को शंकर भी चाहते हैं उद्धव भी चाहते हैं ये गोपियां अब मतलब तो गुजरी है ना ये गुजरी कौन है गोपियां है ये गोपियों को गुजरी कहते हैं तुम लोग को बड़े भाग्यवान जो गुजर जा रहे थे उन लोगों ने जन्म लिए अभी कोई नवेली घर में आई शादी होकर के
अभी कृष्णा जब गैया चराने जाते हैं, बड़ी मीठी मीठी कन्हैया बंसी बजाते हैं, और बंसी ध्वनि सुन करके जितने गोपियां सारी काम काज को छोड़ करके भागते भागते आते, क्यों? दिन भर कृष्ण गोचारने के लिए चले जाएंगे, दर्शन नहीं होगा, शाम को दर्शन मिलेगा। जो नई गोपी आई थी ना, बोले मैं भी कान्हा को दर्शन करने जाऊंगी, लेकिन उसको सांस नणंद ने मना की, बोले देखो वो काला सांप अगर एक बार काट देगा फिर वो जहर नहीं उतरेगा, इसलिए तू उसको दर्शन करने के लिए तू मत जाया करो। वो गोपी बोली तू डोकड़ी होकर के जा रही हो, मेरे नणंद भी जा रहा है, ससुर डोकरा होकर के सब जा रहे हैं कृष्ण दर्शन के लिए, और केवल मेरे को ही हाँ तू मना करती हो, और किसको काटेगा? नहीं मेरे भाई काट लिया काला साहब ने, बोले तेरे भाई काटेगा किसको काटेगा? नहीं बोले मैं तो जाऊंगी। अब ये गोपी मानी नहीं और आ करके इसे घूंघट उठा कर कृष्ण का दर्शन कर रही थी। कृष्ण घटघट वासी को सब जानते हैं, कौन कहाँ किस रूप में मेरे को बुला रहे हैं, ठाकुर सब जानते हैं। जानते हैं ये नई गोपी आई पूर्व जन्म में श्रुति चर्ची, मतलब बड़े बड़े वेद का मंत्र उन्हें तपस्या करके गोपी बन करके आए। अभी कृष्ण सब जानते हैं, अभी कृष्ण उसको प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसे तो आ ही नहीं सकते। कृष्ण ने क्या किया, एक बछड़ा का पूछ को उसका तरफ में मुंह करके उसको पूछ का एक दिया, और वो बछड़ा तो खुदकते हुए गोपी गोपाल में पहुंच गया। कृष्ण उसको बहाना बना करके सीधा गोपी गोपाल में आए, और जो बंसुरी से उसको कपल को पर स्पर्श कराया, और एक बार तिरछी नजर से देखे और थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुरा करके ना कृष्ण चले गए। कहते उनका तिरछी जो चित बने है ना वो क्या है, बोले तीर, उनकी हंसी नहीं जादू, और उनकी जो बंसुरी का जो स्पर्श मिलते ही वो गोपी का तन मन सब कुछ खो गई, और कृष्ण ने उसकी मान प्राण चित्र लेकर कृष्ण चले गए। जब चले गए वो गोपी तो ठगी से ठगी रह गई। अभी इतने में क्या हुआ, सबके सब जब कृष्ण चले गए घर में सबके सब तो वापस आए, लेकिन उसकी सास नणंद ससुर ने देखा हमारी बहू तो अभी तक नहीं आई, वो जा करके देखे ना जैसे किसको भूत लग जाए ना, वो तो यही से खड़े थी, क्योंकि कृष्ण उसका मन प्राण चित्र तो लेकर चले गए, उसको तो पास में है ही नहीं, वो ठगी से ठगी। बोले तेरे को मैं पहले बोल रहा था ना वो काला सांप अगर काट देगा उसका जहर उतरेगा, नहीं पहले बोल रहा था ना वो काला सांप तेरे काट कर चला गया, नहीं पहले बोल रहा था तुम मानी नहीं, बोले घर में चलो। वो सोच रही है उसको कोई काम काज में अगर लगा दे फिर इसका मन वापस आ जाएगा, बोले यहाँ पर बैठो, बैठ करके दधि मंथन करो। उसको तो दधि मंथन में लगा थी, थोड़ी देर बाद में आकर देख रही ना वो दधि क्या मंथन करके राई मंथन रही, उसका तो मन है ना मन तो कृष्ण के साथ में चला गया और राई मंथन कर रही थी, ये क्या कर रही है? बोले उसको थोड़ा चलने फिरने का काम लगा के मन वापस आ जाए, बोले जाओ पहले तो गांव में कुआ होता था, बोले जाओ कुएं से पानी भर कर ले आ। सर पर दो तीन मटकी रख दी, एक रस्सी पकड़ा दी, एक हाथ में एक बच्चा पकड़वा दिया, बोले जा कुएं से पानी भर कर ले आ। जब पानी भरने के लिए गई वहां भी और कुछ गोपियां पानी भर रही थी, ये कलसी में फांस क्या लगाएगी, उसको साथ में जो बच्चा को ले गई थी ना वो बच्चे को गले में फांस लगा दी, उसको लगा कर कुएं में उसको डाल रही थी। किसी ने बोला भैया उसको तो भूत लग गया, भूत लग गया, लेकिन वहां पर कुछ और भी गोपियां थी जो जानती है, बोले इसको भूत नहीं लगा नंद जसोदा का पूत लग गया है। साधारण भूत होता तो छूट जाती, लेकिन कृष्ण भी भूत अगर किसी का लग गया ना भैया वो भूत सहज में नहीं उतरती है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले यद्यपि ये रस को सभी ने पान किए है, लेकिन सर्वतम रूप में रस को पान किसने किए, बोले ब्रज गोपियां जैसे इसको पान की ऐसे किसने पान नहीं की। बोले भैया इसको कौन पान कर सकते हैं, बोले केवल दो व्यक्ति पान कर सकते हैं, बोले रसिक और भाभू। जो रसिक और भाभू केवल वही दो व्यक्ति पान कर सकते, देखो ये गाँव में कितने लोग नहीं होंगे, लेकिन कितने लोग गांव में, लेकिन आप कितने लोग आए हो यहाँ कथा सुनने के लिए, सब आए हो। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि हरी के पास जा पर होए।
कि बोले पार्वती ये भागवत कथा में कौन आ सकता है, बोले सब नहीं आ सकते, बोले अति हरि कृपा जहाँ पर होई, जिसको पर में ठाकुर का विशेष कृपा हो पार्वती वही आ सकते हैं। उदाहरण दिया है जैसे तुम्हारे घर में शादी है, नहीं तो बच्चे का शादी की सालगिरह में तक बच्चे का बर्थडे बना रहे, आप बताओ उसमें कौन आएगा तुम्हारे घर में, आप जिसको निमंत्रण कर दो वही आएगा ना। जैसे तुम्हारे घर को पास में 9 इंच दीवार है, घर को पास में कोई व्यक्ति, अगर तुम्हें उसे निमंत्रण नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में आएगी शादी, लेकिन अगर कोई अमेरिका लंदन फ्रांस में हो लेकिन आपने उसका निमंत्रण कार्ड दिया अपना व्यक्ति वहाँ से आएगा, लेकिन घर को पास में कोई होगा ना नहीं आएगा तुम्हारे घर में, क्यों, तुमने उसको निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए शंकर जी कहते हैं ये भागवत कथा में कौन आएगा, तो ठाकुर जी जिसको पास में निमंत्रण कार्ड दिए, जिसको निमंत्रण कार्ड दिए ठाकुर जी वही ये कथा में आ सकते हैं, ये सब नहीं आ सकते हैं। इसलिए अति हरि कृपा, अगर पता चले यहाँ पर शाहरुख खान आ रहा है, सलमान खान, ऐश्वर्या राय आ रही है, हेमा मालिनी आ रही है मंदिर में, बताओ यहाँ पर प्यार रखने का जगह होगा, जगह होगा कि नहीं होगा, नहीं होगी ना। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा रस को सभी नहीं पान कर सकते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिनको करोड़ों करोड़ों जन्मों की कोई पुण्य उदय हो पार्वती तभी ये कथा रस को कोई पान कर सकते हैं। इसलिए भागवत सभी इच्छा को पूरी करते हैं। अब ये घोर कलयुग आ गया, कलयुग देख करके शौनकादि ऋषियों ने बड़े दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ये कलयुग से बच्चे कैसे, बोले मैं एक चक्र प्रकट करके फेंकता हूँ, जहाँ गिर गया वहीं पर भजन करो, वह चक्र नैमिषारण्य में गिरा वहीं पर भजन कर रहे थे। एक दिन सुत गोस्वामी आए तो शौनकादि ऋषियों ने उनको 6 प्रश्न करते हैं, कहते ये 6 प्रश्न का जो पूरी भागवत कथा, अभी मैं 6 प्रश्न कहता मैं कल सुनूंगा, देखो कौन मेरे को बताएगा, जो बोलेगा ना उसका मैं इनाम दूंगा। देखो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले। देखो संसार में हम जो कुछ करते हैं ये करोड़ों रुपया के प्रश्न है, देखना संसार में तुम जो कुछ करते हो, लिखा पढ़ाई शादी सुधा जो कुछ करते हो, इसके लिए शांति आवश्यक, इसलिए करते हैं ना। लेकिन एक प्रैक्टिकल रूप में एक चीज देखना, जैसे सामने एक दुख है, हम सोचते हैं अगर किसी तरह से ये दुख दूर हो जाए घर में शांति आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना वो दुख तो गया ही नहीं, दूसरा दुख आ गया। फिर सोचते हैं भैया ये अगर दुख दूर हो गया घर में चैन पड़ेगा, देखना वो दुख तो गए नहीं तीसरे दुख आ गई। समुद्र देखे हो जैसे लहरी आती है ना, एक बार में गई है लहरी जैसे आती है, इसलिए इनका पहला प्रश्न है हमको जीवन में शांति और सुख कैसे मिले, याद रहेगा ये प्रश्न, याद हो गया किसी। दूसरा प्रश्न है ये शांति सुख मिलेगी कब, तभी मिलेगी जब भगवान मिलेंगे, इसलिए दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है भगवान कृष्ण की हमें कथा सुनाओ, बोले कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण 3 है, जब वही कृष्ण द्वारका में होते हैं पूर्ण, वही कृष्ण जब मथुरा में होते हैं पूर्णतर, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं पूर्णतर, हमें ये तीनों धाम की हमें कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। केवल कृष्ण कथा नहीं, हमें कृष्ण के जो अवतार है मत्स्य कुरुम बराह कृष्ण वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि, भगवान जो अलग अलग अवतार लिए हैं ये सब अलग अलग अवतार का भी कथा सुना। चौथा प्रश्न है भगवान की जो बीर्यवती कथा उनका जो महिमा को कथा सुनाओ, और उनका जो पंचमा प्रश्न है भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए ये कलयुग में धर्म कहाँ आश्रय लिया, जब उन्होंने ये प्रश्न की इसको सुन करके सुत गोस्वामी की रोम रोम खिल उठा, विद्या क्या प्रश्न तुमने किए, जिस प्रश्न में केवल भगवत चर्चा छोड़ कर कोई चर्चा ही नहीं। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं हम साधु किसको मानते, कोई चमत्कार दिखा दिया ना है, विभूति दे दिया चमत्कार दिखा दिया, अपने बड़े साधु, साधु चमत्कार नहीं दिखाते, हनुमान चमत्कार दिखाते हैं, तुलसीदास चमत्कार दिखाए, चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान भजन,
भगवान की भक्ति इन लोगों ने की है। सूरदास कौन सा चमत्कार दिखाई, केवल शुद्ध रूप में भगवान का प्रेम किया है। संत लोग चमत्कार नहीं दिखाते, वो भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हम संतों को खुश करना चाहते हैं, हम क्या कर उनके पास में जाकर क्या बोले, भगवान की बात में पूछो, ठाकुर जी के बारे में पूछो, कैसे हमको शांति मिलेगी, कैसे कैसे भगवान हमें मिलेंगे हैं। इसलिए मत कथा मत कथा चिंता बधयंत परस्पर, कृष्ण खुद कहते हैं मेरे मेरे संतों का ये लक्षण है, मेरी चर्चा मेरी कथा छोड़कर और कुछ करते ही नहीं मेरे संत। हनुमान जी देखो दिन भर करते हैं क्या बताओ, रघुपति राघव राजा राम राम का सेवा कर रहे हैं ना, यही तो करते हैं। इसलिए कहते संत वही है जो भगवान की भजन करे, भगवान की भक्ति करे। अगर संतों को खुश करना चाहते हो, दुनियादारी की बात मत करो, उनके पास में जाकर के भगवान की भक्ति के बारे में पूछो, भजन के बारे में पूछो। क्योंकि अगर भक्ति करोगे तो दुख तो अपने आप दूर होगा ना, अपने आप तो दुख तुम्हारी चली जाएगी अपने आप हैं, और किसी उपाय से दुख नहीं जाएगी। जब ये प्रश्न की बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के बोले मैं सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करके तुम्हारे प्रश्न को उत्तर दूंगा। तो उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बोले बंदाओ गुरु पद पदो मां परागा, भगवान बोले प्रथम अंतु गुरु पूज्यम, पहले गुरु जी की वंदना करके फिर मेरी पूजा करनी चाहिए। जो गुरु जी की पूजा करके मेरी डायरेक्ट पूजा करता है, कृष्ण कहते उसका पूजा सब निष्फल हो जाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गुरु जी को उन्होंने वंदना की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अगर कोई बीच समा है बिनु गुरु भवन थी तरह न कोई, जो बीच शंकर सम हुई, कहते ब्रह्मा शंकर जैसे हो जाए। जब तक कोई सदगुरु का आश्रय नहीं ग्रहण करे, संसार से कोई पार नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी को वंदना करते, बोले मेरे गुरु जी कौन है, बोले साधारण नहीं सुखदेव गोस्वामी। कहते ये कौन है, बोले जम प्रभ जंत मनुभेत बभेत, कहते साधारण नहीं थे। जो मातृगर्भ में बच्चा 9 महीना रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, वो गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे। इतने में श्री व्यास थे, वो बोले क्यों माँ को इतने कष्ट दे रहे हो, निकल करके आ जा। बोले मैं नहीं निकलूंगा। बोले क्यों, बोले मातृगर्भ में जब दुख कष्ट होता है वो भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु मेरे को नरक से निकाल। लेकिन जब जन्म हो जाता है सब भूल जाता है, सब भूल जाता है जन्म होकर, फिर भजन नहीं करता है। इसलिए कहते माया में आने पर मैं भूल जाता, इसलिए प्रभु मैं ये नरक गर्भ से निकलना नहीं चाहता हूँ। भगवान बोले मैं माया को हटा देता हूँ। व्यास देव बोले, बोले आप नहीं हटा सकते हो, मायापति जो कृष्ण वही हटा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, मातृगर्भ में हम सबके सब कसम खाए। बोले ठाकुर जी, भगवान खुद कहते बोले माँ मातृगर्भ में और आना और नरक में आना बराबर है। माँ के पेट में क्या है, टाटी पेशाब खून पीक और क्या है, कुछ तो है हैं। उसको अंदर में 9 महीना बिताना पड़ता है। भगवान के जब भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु मेरे को नरक से निकाल दो। बोले क्या करोगे, बोले मेरे को पता चला संसार में कोई किसी का नहीं, एक बार जन्म दे दोगे ना, उठते बैठते सोते तेरा भजन करूँगा। बोले भूलोगे तो नहीं, बोले एकदम नहीं भूलूंगा। ठाकुर जी बोले देखो अगर भूल जाओगे ना, मैं बीच बीच में तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, पहले पहला वार्निंग है
जब एक बाल पक जाए मेरे पहला बाल में, अब लख्या करके देखना, जब सबसे पहले बाल पकता है ना कानों से, मतलब कान में पहला बेल दे दिया, मतलब भगवान को क्या बोल करके आया था, बोलो, बोला था ना उठते बैठते तेरे नाम लूंगा, भजन करूंगा, कितने समय टीवी देख रहे हो, कितने समय स्मार्टफोन देख रहे हो, और कितने समय माला जप करते हो, लेकिन जब एक बाल पक गया देखते हैं ना उसको उखाड़ देते हैं, बोले इतना जल्दी हमें बूढ़ा बुरी बना, हम बूढ़ा बुरी नहीं बने, भगवान दूसरा बाल फिर पका देते हैं, फिर उसको ऊपर उखाड़ देता है, लेकिन जब खिचड़ी बने जाता है ना फिर मेहंदी फिर कलर कर देते हैं, जब थोड़ी हम बूढ़ा बुरी हमें कुछ नहीं है, भगवान कहते फिर दूसरा उधार नहीं दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आँख में कमजोरी हो जाएगी, फिर हम चश्मा लगा देते हैं, बोले तीसरा उधार नहीं दूंगा, बोले क्या, बोले जब खिलखिला कर हंस रहे हो ना एक एक दांत उखाड़ना शुरू करूंगा, एक एक दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के फिर दांत लगा कर खिलखिला कर हंसते, बोले मेरा कुछ नहीं हुआ, भगवान कहते मेरे चौथा उधार नहीं दूंगा, बोले क्या, बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगा, बोले क्या, बोले डंडा लेना पड़ेगा, कमर तोड़ दूंगा, कमर तोड़, भगवान कहते हैं कि वो आदमी की है, भगवान तुमको ये मानव शरीर दिया था भजन के लिए, तुमको दिया था, कसम खा कर हम आए, प्रभु ये झूठे संसार में फंसेंगे नहीं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को और उतर न लगे कपास, भजन के लिए आए थे उसको तो रख दिया एक साइड में, और जो नहीं करने के लिए आए थे उसमें लग पड़े थे, हैं ये एक आदमी के है, पिछले फिर बोले फिर अगर भजन नहीं करोगे ना फिर क्या करूंगा, बोले राम नाम सत्य कर दूंगा, अब देखना जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको अर्थी सजाते हैं, उसको अच्छे तरह से बांध देते हैं, लेकिन सर्व नहीं बांधते, सर्व पर एक तकिया लगा देते हैं, और जब चार व्यक्ति ले जाते हैं सुने होंगे क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, उसको बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या, बोले बेटा जिंदगी में जितने राम और कृष्ण का नाम लिए है केवल तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ जीवन में किए हो तुमने सब झूठे में तुमने जीवन बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहा है, सब के सब तुम यही रख करके जा रहे हो, उसको यही बोलते हैं ना, यही सुने कि नहीं आप लोग, यही बोलते हैं, देखना उसका सर पास में तकिया लगा देते हैं और चार व्यक्ति ले जाते हैं राम नाम सत्य करते करते, अब देखना जब ले जाते हैं ना राम नाम, देखना उसका सर ऐसे हिलता है, उसको क्या सुनता है, अभी तो तू राम का नाम कृष्ण का नाम ले, केवल प्रभु का नाम से ही गति नहीं करता, कोई गति नहीं, उसका सर ऐसे से हिलता है, बोले राम नाम सत्य, बोले राम नाम बोल, ऐसे ऐसे करता, बोले नहीं अभी भी नहीं बोलता, बोले अभी भी नहीं बोला, बोले चल तेरे को दिखाता हूँ, फिर उसके लिए फिर क्या करते हैं, शमशान में लेकर लकड़ी को है, लकड़ी को सजाते हैं, उसको उसको पर लेटा देते हैं, लेटा करके बोले भैया अभी तो राम का नाम ले, अभी तो कृष्ण के नाम ले, जिंदगी भर तो कुछ किया ही नहीं, उल्टा पुल्टा चीज में जीवन बिता है, अभी तो ले, बोले अभी भी नहीं, बोला नहीं लोग अभी तेरे को दिखाता हूँ, बेटा क्या करता है, मुंह में आग देता है, बुखार क्यों देता है ना, क्यों देता है, बोले भगवान जिस मुंह तेरे को प्रभु का नाम जप करने के लिए दिया था वो काम तुमने नहीं की, दुनिया की बकवास करते रहे जिंदगी भर, इसलिए उसको मुंह में आग, ये अच्छी चीज नहीं, लेकिन हमारे वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं देते हैं, कहाँ देते हैं, चरण में, बोले क्यों, बोले जिंदगी भर तुमने राम का नाम लिया भजन करती हो, इसलिए अग्नि देवता तेरे चरण पूजा कर रहे हैं, अग्नि तुम्हारी देवता तुम्हारे चरण की पूजा कर रहे हैं अग्नि, इसलिए उसका चरण में देते हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए, जिंदगी रहते हुए भगवान का नाम लो, यही केवल, इसलिए पूजा करती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कहते ना जिंदगी में मिला तो मिला किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने राम का नाम लिया वही पाया, जगह में सब ही खोवायो, सब जगह में गया, क्या करनी चाहिए जिंदगी रहते रहते, भगवान के नाम जप करनी चाहिए, इन्होंने सर्वप्रथम गुरु जी की वंदना करते हुए उनका जो पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, हरि का उत्तर दिया, और देखो जो कल है ना एक बहुत अच्छा तिथि है, अब बताओ तो कल क्या है, एकादशी है, देखो अगर ये भागवत की कथा को बीच में अगर ये एकादशी आ गई ना, समझो चार चांद लग गई, कितना लग गई, क्योंकि ये भागवत में ना कोई बार व्रत का नाम ही भागवत में, आप भागवत पढ़ करके देखो केवल एक व्रत का नाम है, एकादशी कथा
केवल एक एकादशी कथा थी। अगर भागवत कथा में एकादशी कथा आ गई तो समझो सबसे बढ़िया है। कथा में चार चांद तुम्हारी लग गई, बड़े भाग्य से किसी कथा में ये एकादशी तिथि आती है। सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण। हम लोग कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 एकादशी कथा सुन लो। अब लोग कौन कौन एकादशी करते हो हाथ उठाओ, कौन कौन करते हो? बाबा रे माताएं बहुत सारी माताएं करती हैं। देखो ये जो एकादशी व्रत है ना, ये एकादशी व्रत जरूर रखनी चाहिए। ये भागवत में सोमवार का व्रत नहीं, मंगलवार व्रत नहीं, सोमवार कोई भी व्रत का नाम भागवत में नहीं है। केवल अगर व्रत का एक से एकादशी का नाम, लेकिन ये भागवत ग्रंथ किसने लिखे बोले व्यास थे, और जितने पुराण किसने लिखे बोले व्यास थे। बोले ये भागवत ग्रंथ उन्होंने कब रचना की? जब उन्होंने सारी ग्रंथों को रचना कर दिया लेकिन तब भी मन में कोई शांति नहीं मिली, तब व्यास देव ने तभी ये भागवत ग्रंथ रचना की। उन्होंने ही ग्रंथ रचना की सारे ग्रंथों को, जितने सोम मंगल बृहस्पति जितने व्रत उन्होंने लिखे, लेकिन उन्होंने शांति नहीं मिली। लेकिन उनको पूर्ण शांति कब मिली? जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ में लिखे तभी उनको जीवन में पूर्ण शांति मिली। इसलिए भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी व्रत की कथा की है, जिसको श्री अंबर सिंह महाराज करते थे। अपना पत्नी को साथ में मथुरा में एक अंबर सिंह टीला है, वहीं पर ये व्रत रखते थे। जहाँ पर दुर्वासा ऋषि जहाँ पर आए वो शंकर जी का अवतार है। लेकिन एकादशी की इतने महिमा है, दुर्वासा जैसे व्यक्ति शंकर जी के अवतार, लेकिन अंबर सिंह महाराज एकादशी राजा थे। उन्होंने एकादशी व्रत में व्रत खोलने के लिए थोड़ी सी चरणामृत ले लिया तो दुर्वासा क्रोधित तो हो गए और उनको मारने के लिए कोशिश किया, उनको राक्षस से प्रकट किया। लेकिन जो एकादशी व्रत रखते हैं सुदर्शन चक्र उनका साख्यात रख्या करते हैं, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, वो राक्षस को खत्म कर दिया। फिर दुर्वासा जी को पीछा किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, शंकर जी को पास में, यहाँ तक भी दुर्वासा भगवान विष्णु को पास में गए, लेकिन कोई भी रक्षा नहीं की। लास्ट में उनको कहाँ, इतने बड़े तपस्वी इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी दुर्वासा, लेकिन अंबरीश महाराज गृहस्थ थे, चरण में माफी मांगना पड़ा। मतलब जो एकादशी व्रत रखते हैं स्वयं सुदर्शन चक्र जिनको रक्षा करते हैं, सुदर्शन चक्र उनको कोई बिगाड़ नहीं सकते हैं। और भागवत में आती है कुछ लोग कहते हैं हर एकादशी तो विधवा को करनी चाहिए, सदवा थोड़ी करते हैं। अब भागवत करके देखो, क्या अंबरीश महाराज का पत्नी विधवा हो गई थी? अभी हम परसों हम सुनेंगे नंद बाबा के घर में कोई लाला नहीं था, कृष्ण पहले नहीं थे, उनने सारे बार व्रत कर चुके थे लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। लेकिन जब ये पुत्रदा एकादशी आई, नंद यशोदा ने सोचा हमने तो सारे व्रत कर चुके हैं लेकिन एक पुत्रदा एकादशी नहीं, क्या चलो हम पुत्रदा एकादशी करते हैं। जब पुत्रदा एकादशी किया ना, घर में बैठा हुआ ये कृष्ण उदय, ये कृष्ण स्वयं घर में जन्म लिए, ये इतना महिमा। इसलिए एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है? कल्पतरु व्रत मतलब समझ लो, अगर आपका घर में एकादशी का पुस्तक हो स्वयं पढ़ लेना, जैसे कोई सोम कोई मंगल कोई बृहस्पति करता हो ना, उसका एक पल दो पल नहीं, लेकिन आप एकादशी कथा पढ़कर स्वयं देख लेना। एक व्रत का नाम पुत्रदा, जिसको करने से घर में बेटे होते हैं। एक एकादशी का नाम अर्णदा, जिसको करने से घर में अर्ण आती है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। जिनके घर में पैसा की कमी है वो एकादशी घर में पैसा आएगी। एक एकादशी का नाम विजया, विजया मतलब होता है जो एकादशी करने से तुम्हारी सर्वत्र विजय विजय तुम्हारी होगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से तुमको मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम पापमोचनी, मतलब जो एकादशी करने से जीवन से पाप खत्म हो जाएगी। आप देखना एक चीज और एक चीज देखना, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, किसी तरह से प्राण नहीं जा रहे हैं, किसी तरह से प्राण उसको जा नहीं रहा है, आप किसी पंडित को बुलाओ, उनको बोलो भैया प्राण छूट जाए, देखना
क्या बोले? बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके इसको फल दे सकते, और कोई व्रत का नाम नहीं बोलेगा। देखो मेरे जीवन में भी मैंने बहुत चीज देखा, मैं विदेश जाता हूँ प्रचार करने के लिए, मैं यूरोप गया था प्रचार करने के लिए। एक व्यक्ति 2 साल से बिस्तरा में पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में पानी जैसे पैसा जा रहा था, वो पुस्तक बदलती थी क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने ये बताया, दूसरा साइंटिस्ट ने उसका काट दिया। लेकिन गीता की कोई अक्षर बदला है? रामायण की कोई अक्षर बदली है? वेद भागवत का कोई अक्षर बदला हुआ अभी तक? देखे कोई नहीं बदला। क्यों? हमारे जितने ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे। देखो ये व्रत, एकादशी व्रत में क्या साइंस है? जितना जो अक्षर थोड़े बहुत जो लिखे हैं बड़े ना समझ लो, और दूसरों को भी समझना। देखो जाते हैं देना, बीच में एक रिसेस होता है, खेल छुट्टी होता है। बोले क्यों? बोले अगर बच्चा जैसे 8 पीरियड में एक पीरियड अगर 10-20 मिनट अगर बच्चा अगर खेल कूद कर ले फिर माइंड पढ़ता है, उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है। अगर बकरी जैसे 3 बार मुंह चलाते रहो ना, फिर ये शरीर सुस्त कैसे रहेगा? शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए ऋषि मुनिया ने कहा, देखो जैसे जो ऑफिस जाते हैं दुकान एक दिन छुट्टी रहता है, सप्ताह में एक दिन छुट्टी रखते हैं। इसलिए ऋषि मुनिया ने कहा, भैया ये शरीर भी एक मशीन है, इसको कम से कम इसको थोड़ी सी विश्राम दिया, इसको थोड़ी सी रेस्ट दो। आप किसी भी लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ती है, और एकादशी की पूर्णिमा को सबसे बड़ा चंद्रमा होता है, और जो समुद्र का जो लहरी क्या होता है एकादशी को लेकर के पूर्णिमा तक ज्यादा ज्यादा बड़ी बड़ी लहरी। क्यों? ये चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षण करती है, लेकिन पृथ्वी तो खींच नहीं सकते, पानी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए पानी को खींचती है। और पूर्णिमा का दिन ना सबसे ज्यादा रोगी कब आते हैं देखना, एकादशी लेकर पूर्णिमा तक। किसी शमशान घाट में चले जाओ, देखना मरने वाले संख्या कहां पर कब है, एकादशी लेकर पूर्णिमा तक। जो खून खराब नहीं होती है ना, ये कब देखना, एकादशी पूर्णिमा। माताओं का अंदर में जो चिड़चिड़ापन देखना कब होता है, ये एकादशी लेकर पूर्णिमा तक। क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पानी को बड़ा ज्यादा पड़ता है, इसलिए एकादशी का दिन ये अन्न खाने के लिए मना किया, रोटी चावल खाने के लिए। तो शुगर का बीमारी हम रह नहीं सकते, लेकिन भोजन कर लो कोई बात नहीं, भोजन कर लो, लेकिन अन्न नहीं खाने का, अन्न नहीं।